एक तो इस स्यापा को इनसे शादी हो गई, ऊपर से ये सामान तो इधर है, पर ये मुसीबत खुद कहाँ है? टहल रही होगी गार्डन में मैडम। इतनी अकल नहीं है कि सूटकेस बेड पे नहीं रख दे। दिमाग से पैदल एक्चुअली अच्छा है कि नहीं है यहाँ पे? दो मिनट चैन की सांस तो ले सकता हूँ मैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा पूरी रात एक रूम में कैसे निकालनी है इसके साथ। कुंज तू एक काम कर, तू सो जा उसके आने से पहले, दिमाग चाटने का मौका ही मत दे उसे। चेंज कर लेता हूँ, सो जाता हूँ, बेस्ट ऑप्शन। सबसे पहले तो इसे ठिकाना लगाना पड़ेगा। ये आनंद भैया भी ना घर के बड़े जाते जाते आशीर्वाद देते हैं, पर आनंद भैया लो खुश रहो, चिपका दिया। कहाँ फेंकूं, इतने बड़े कमरे में डस्टबिन भी नहीं। इतनी देर से बाथरूम में थी? हाँ तो, यू चीपो, तुझे शर्म नहीं आती? तेरा दिमाग ही गंदा है। ये मेरा नहीं है, आनंद भैया ने जाते जाते पॉकेट में डाल दिया था, बस फेंकने का टाइम नहीं मिला। तू अंदर क्या कर रही थी और मुझे बता नहीं सकती थी? I'm so sorry, कुंज, मैं तुझे बताना भूल गई। नेक्स्ट टाइम वॉशरूम जाऊंगी ना तो कबूतर भेज दूंगी जो तुझे चिट्ठी दे जाएगा जिसमें लिखा होगा ट्विंकल वॉशरूम में। अगर मैं रूम में नहीं हूं तो वॉशरूम में चेंज कर रही होंगी ना। दिमाग स्ट्राइक पे गया है क्या? मुझे सब समझ आ रहा है। वैसे तुझे क्या है, तू बैठ के अपना गाना एंजॉय कर, तेरी चॉइस पता चल रही है मुझे। ये चैनल ना मेरे दादा परदादा के नहीं है जो मेरे चॉइस की प्लेलिस्ट चलाएंगे, है ना? बढ़िया ही, चैनल चेंज कर रहा था कुछ और आ नहीं रहा था। अब बहाने मत बना, समझा? और ये शेरवानी क्यों उतारी तूने, बहुत गर्मी लग रही है, तू मुझे ये बोलेगा? नहीं वो ऐसी, मैं बस कंफर्टेबल होने के लिए, मुझे लगा कि। क्या लगा तुझे कि मैं अकेली हूँ तो तू आज मेरा पूरा फायदा उठा लेगा? मुझसे दूर रहना कुंचरना, समझा? होगी ना तेरी चपड़ चपड़ शुरू, मतलब मौका चाहिए तुझे बकवास करने का। No more discussions. और इस चीज मुझसे दूर रह, इसको फेंक दे। अब तो नहीं फेंकूंगा, तुझे प्रॉब्लम है ना इससे, ले तू फेंक। ले तू फेंक, ले फेंक ना, फेंक ना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, मिस्टर एंड मिसेस कुंज सरना। ये क्या है? मैम केक है। आज आप दोनों की शादी हुई है ना? शादी मुबारक हो मैम। शादी मुबारक हो सर। ये केक पे तुमने ट्विंकल सरना कैसे लिखा? मेरा नाम ट्विंकल तनेजा है। लेके जाओ ये केक। किसने बोला तुम्हें केक पे लिखने के लिए? जल्दी लेके आओ, मैं ट्विंकल तनेजा लिखा हुआ केक खाऊंगी, समझे? मैम वो तो शादी के पहले था ना मैम, अब तो आप मिसेस सरना हो गई हैं। अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, ये केक लेके जाओ, इस पे ट्विंकल तनेजा लिख के लाओ, तब मैं ये केक खाऊंगी, समझे? ठीक है मैम। कोई जरूरत नहीं, एकदम सही केक लाया तू। अब हमारी शादी हो चुकी है, अब से मिसेस सरना है। और वैसे भी सरना की बात ही अलग है, नाम में ही सर है। नहीं तुम एक काम करो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रही हूँ? तुम ये पकड़ो। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू मैम। सर हैव अ वेरी गुड नाइट सर। गुड नाइट। बाय। दरवाजा बंद कर दो। यस सर। वेरी गुड। मेरा नाम ट्विंकल तनेज है, और चाहे शादी हो जाए कुछ भी हो जाए, मैं अपना नाम कभी चेंज नहीं करूंगी, समझा? बुरा हुआ, तेरे जाने ना जाने से क्या होता है, अब तेरी मुझसे शादी हो चुकी है तो तू अब से ना मिसेस ट्विंकल सरना है, समझी? तुमने मुझे ट्विंकल सरना कैसे बोला? बोलो ट्विंकल तनेजा। मेरा नाम ट्विंकल तनेजा है, बोलो ट्विंकल तनेजा। अगर तुमने मुझे एक और बार ट्विंकल सरना बोला ना, तुम देखो मैं क्या करता। आई विल किल यू। मैं तो डर गया। मिसेस ट्विंकल सरना कौन सरना? आई विल किल यू।
अच्छा है ना, मारी दे। तेरे साथ जिंदगी बिताने से ना बेटर ऑप्शन है ये। मिसेस ट्विंकल सर, बोल ट्विंकल तनेजा, बोल। मिसेस ट्विंकल सर ना, हो गया, बढ़िया ही। सो, नाइफ तो, मैंने कहा नाइफ दे, नाइफ। दूर है। लग जाएगी मैं कह रहा हूँ। मैंने बोला ना दूर है। अगर तुम्हारे पास है ना, दूर है। आँखों से आँखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान जैसे। आँखों से आँखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान जैसे। मौज कोई साहिल से टकराए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। ऐसा क्यों बाबा जी? मैं सारी जिंदगी ट्विंकल तनेजा थी, लेकिन बस सात फेरे होते ही सब कुछ बदल गया। शादी होती मेरा वजूद, मेरा नाम, सब कुछ बदल गया। ऐसा लड़कियों को क्यों करना पड़ता है? सिर्फ लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है बाबा जी? वेरी बैड, आपने सबको इक्वल नहीं बनाया, नहीं बनाया सबको आपने इक्वल। मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी। हद है यार, आज ही शादी और आज ही हुकुम चलाना शुरू। इसको क्या लगता है मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, इसके इशारों पे नाचूंगा, इसके नखरे सहूंगा? बिल्कुल नहीं। आज फुल एंड फाइनल इसे बता दूंगा कि मैं क्या चीज हूं, एंड शी बेटर रिस्पेक्ट मी। पर बात करके फायदा क्या? बात करने जाओ तो ये काटने को दौड़ती, नकचड़ी बिल्ली कहीं की। ये फैशन भी क्या चीज है? नहीं, आज तक लोग फटी हुई जीन्स पहनते थे, आजकल फटे हुए कुर्ते भी पहनते। कमाल है, मतलब क्या हालत बना दी भिखारियों वाली, इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। एक रात में ये हालत है, पूरी जिंदगी कैसे निभाऊंगा इस औरत के साथ? पागल औरत, छोड़ यार, अबे कहां जा रहा है? बात तो करनी पड़ेगी, इसको बताना पड़ेगा कि आई एम द बॉस। ये तो कही, इसे इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। आई शुड गिव हर सम स्पेस। वैसे भी ये कुछ सुनने वाली है नहीं, बाद में बात कर लूंगा। पैसे तो ऐसे लिए थे जैसे कि फाइव स्टार होटल ना हो गया, डिज्नीलैंड हो गया, और सर्विस इतनी बकवास। अब तक डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड नहीं लगाया। अब तक नॉर्मल हो गई हो मेरी सो कॉल्ड बीवी स्यापा क्वीन। कुछ खाया भी नहीं होगा उसने। यार लीला आंटी को प्रॉमिस किया कि उसका ख्याल रखूंगा, तो आई थिंक उसे पूछना चाहिए। कुछ खा लेगी ना तो एक्चुअली कम बोलेगी।
नहीं एक्सक्यूज मी सर, आपके पास बेस्ट क्या है? अब आप बोलोगे कि सब बेस्ट है। सब बेस्ट है सर। पता था। तो एक काम करो, चार नान, एक पालक पनीर, दाल मखनी। श्योर सर। सर योर रूम नंबर? रूम नंबर याद नहीं। क्या था? चल छोड़, मैं रूम सर्विस से कॉल कर लूंगा, ऑर्डर कर लूंगा। ओके सर। माँ की ऐसी धज्जियाँ उड़ाई है ना इस सैपा क्वीन ने कि रूम नंबर तक याद नहीं। शादी की पहली रात में तेरा ये हाल है, फुटबॉल की तरह यहाँ वहाँ घूम रहा। कमाल है मतलब, वो भी उस टिंकर तनेजा की वजह से जो अब सर ना हो गए पर नहीं मानेगी नहीं, ईगो जो इतना बड़ा है। ऐसा एक साइन ना मुझे अपने लिए बना लेना चाहिए, तब जाके पागल औरत शायद मुझे पागल ना करे। इतना अंधेरा क्यों है? लगता है सो गई है। आखिर अब आ ही गए ना जानू, पता था आप मुझसे ज्यादा देर दूर नहीं रह पाओगे, पास आओ ना जानू। ट्विंकल की आवाज को क्या हुआ है? नींद में बातें कर रही है क्या? जानू सिक्स पैक, वाओ कैसे बनाया आपने? ट्विंकल आपके सिक्स पैक और मेरा फैमिली पैक। देखो मैं जानू हमारा हनीमून है, पास से आओ जानू। हनीमून जानू जानू को की गलत है, कम ऑन जानू। अरे छोड़ो बाबू छोड़ो। फिर पास में जाना भाई साहब, बचाओ। आप यहाँ है तो ये कौन है? वो तुम मुझे बताओगी? मुझे नहीं पता ये कौन है। सच सच बताओ कौन है ये आदमी? अरे मुझे सच में नहीं पता ये कौन है, मुझे तो लगता है ये मेरा रेप करने आया था। रेप? अरे आंटी जी क्या बोल रही हैं आप? मैं गलती से इस रूम में आ गया, मैं तो एक सीधा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हूँ। झूठ मत बोलो, तुम खूब जानती हो तुम्हारे से लड़कों को, जहाँ जवान और खूबसूरत औरत नहीं देखी बस लाट टपकने लगती तुम्हारी। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, मतलब कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं गलती से इस रूम में आ गया, मुझे पता भी नहीं था कि। सीधा सीधा बताओ। अरे सीधा सीधा ही बता रहा हूँ, बहुत सीधा आदमी हूँ मैं। अच्छा सीधा हो तो इसका मतलब तुम किसी के भी रूम में गलती से घुस जाओगे हैं? बस कहीं भी नहीं, सिर्फ आपके रूम में, मेरा मतलब मेरे रूम में, मेरा मतलब मेरा समझ के आपके रूम में। तो गलती से आपके रूम में यार आ क्या गया यार? अपनी बीवी को संभाली, एकदम से ऐसे झपट्टा मारी कि जैसे खाई जाएगी, कोई जंगल है? सांस घुस जाती मेरी तो, लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं है मेरी, साइज देखिए उनका और मेरा साइज देखिए। अरे सब जानती हूँ मैं, कोई गलती वलती से नहीं आया। अरे ये तो चाहता ही था मुझे छेड़ना। आप रुकिए जी, मैं ना अभी पुलिस को फोन करके। पुलिस भाई साहब देखिए, दो मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देखिए मेरी आज ही शादी हुई है, मेरी बीवी बगल वाले कमरे में है, आप चाहते हैं तो आप आके चेक कर सकते हैं। अच्छा आज ही शादी हुई है जी, चलो चल के देखते हैं, और तुम चुपचाप से इधर बैठो, बहुत इधर उधर भटकती रहती हो समझी। चलो कोई भी यहां वहां कचरा फेंक देता है, अगर अनीता मैडम ने देखी तो मेरे को तो नौकरी से निकाल देंगे। आइए आइए भाई साहब, ये मेरा रूम है, मेरी बीवी अंदर है, आप खुद पूछ लीजिए। कहां रह गई ये? जल्दी दरवाजा खोल, कितना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में? मैं कुंज, ये मेरी बीवी ट्विंकल। ट्विंकल प्लीज ने बताओ कि हम दोनों साथ में हैं और तुम मेरी बीवी हो मिसेस सरना। सोच कर ये बताना तू मेरी बीवी है मिसेस सरना। एक मिनट मिस्टर, आप चुप रहिए, मुझे पूछने दीजिए। मैडम ये पति हैं आपके? क्या आप मिसेस सरना हैं? मिसेस सरना? कौन मिसेस सरना? जी नहीं, मैं ट्विंकल तो नहीं जाऊं।
सर हम हस्बैंड वाइफ में बहुत फनी है। ट्विंकल मजाक का टाइम नहीं, प्लीज इन्हें सच सच बता कि तू हम दोनों साथ में है, तू मेरी बीवी है मिसेस सर ना। मैंने कह दिया ना एक बार, मैं बात समझ नहीं आती, मैं ट्विंकल का नहीं जाऊं, मिसेस सरना वरना नहीं। तू पागल हो गई है क्या? सुन सर बस बहुत हो गया तेरा नाटक। एक तो तुमने मेरी सुंदर मासूम सी बीवी की इज्जत पे हाथ डाला और अब इस बेचारी बच्ची से झूठ बुलवाना चाहता है। शर्म नहीं आती तुझे? सर मैं आपको पागल दिख रहा हूँ, मैं झूठ की बोलूंगा? झूठ ये बोल रही है। अब तुझे जो कहना होगा पुलिस स्टेशन में जाके कहना, लेडीज को परेशान करता है, चल पुलिस स्टेशन। पर मैं झूठ बोल रही हूँ। ले जाइए इसे पुलिस स्टेशन। आई कांट बिलीव इसने आपकी बीवी के साथ। छी 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 ट्विंकल मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज इन्हें सच बता। ट्विंकल अब जो भी कहना होगा ना पुलिस थाने जाके कहना, समझे? चलो चलो। ट्विंकल रमन मैं जानती हूँ इस वक्त ना मैंने ट्विंकल नु डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बार उसे फोन करके उसका हालचाल पता कर लूं क्या? तेनू तो पता है ना उसे बाहर का खाना सूट नहीं करता, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं, मसालेदार चीज खा के कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। अले तू किस बात पे हंस रहा है? और नहीं तो क्या रोऊं? वो आप तो ऐसे फिकर कर रहे हो जैसे सारी ट्विंकल जो है वो स्कूल जाती हुई बच्ची है और किसी कैंप फायर की ली गई हो। वो कुछ नहीं हो, बिल्कुल ठीक है वो। हंस ले तैनु की पता एक माँ के दिल पर क्या बीतती है जब उसकी बेटी उससे अलग हो जाती है। ट्विंकल मुझसे दूर कभी रही है भला, कैसे ना करूँ मैं चिंता। अरे पहले चिंता क्यों कर रही हो, उसके साथ कुंज है ना। यह बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही है, एक कुंजी तो है जो उसका ख्याल रखेगा। अच्छा सुन, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, तैनु याद है ना कल सुबह सुबह तैनु ट्विंकल और कुंज को यहाँ पग फेरे के लिए लेकर आना है? और हाँ उसे अभी जाकर याद दिला दे तू, वरना वो सुबह उठ नहीं पाएगी। तुझे तो पता है कितनी मुश्किल होती है उसे सुबह सुबह उठाने के लिए। ओ पैना तुझे फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं भी उसे इन्फॉर्म कर देता हूँ और सुबह जाकर दोनों को साथ लेकर आऊंगा। हाँ ऐ ठीक रहेगा, देखना रमन कुछ ही घंटे में उसे अलग होकर, और पता नहीं ऐसे लग रहा है कब से नहीं देखा मैंने उसे। अब तो वाहेगुरु जी से बस यही अरदास है कि वो अपने ससुराल में अच्छे से रहे और ये शादी निभाए। राणा रात हो गई है, मुझे नींद आ रही है, मैं फोन रखूं? हाँ ठीक है, गुड नाइट। मैंने शायद ठीक नहीं किया कुंज के साथ, माना कि वो खड़ूस है लेकिन उसने मेरी कितनी हेल्प भी की है, मुझे उसे और मुसीबत में नहीं डालना चाहिए था। माँ भी तो यही कहती है ना कि हस्बैंड की इज्जत करनी चाहिए, क्या करूं? आई थिंक मुझे उसे पुलिस से छुड़ाने के लिए जाना चाहिए। मामू का फोन, मामू क्यों फोन कर? कहीं माँ ने मामू को यूवी और मेरे बारे में तो नहीं बता दिया? मैं मामू को क्या बोलूंगी? हेलो मामू। ए ट्विंकल पुत्र कैसी है तू? जी मामा। अच्छा सुन, कल सुबह ठीक 8 बजे मैं तुम दोनों को लेने आऊंगा, पग फेरी की रस्म है, टाइम पे निकलेंगे, ओके? तैयार है ना? जी मामू, आप चिंता मत करो, मैं उठ भी जाऊंगी और तैयार भी हो जाऊंगी। वेरी गुड, चल मैं फोन रखना, आराम कर, गुड नाइट। फिश, कल सुबह तो मुझे पग फेरे के लिए जाना है, तो मुझे कुंज को जेल से छुड़ाने के लिए जाना ही पड़ेगा। सर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए सर, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है सर आपको। सर मुझे पता भी नहीं मैं इनके रूम में कैसे पहुंच गया, सर मुझे लगा मेरा रूम है। सर देखिए मैं अमृतसर से बहुत खानदानी फैमिली को बिलोंग करता हूँ, सर आपको यकीन नहीं आता ना सर, आप मेरा आईडी प्रूफ देख लीजिए। सर वॉलेट तो नहीं है, मैं फोन पे सर प्रूफ दिखाता हूँ, कुछ तो। सर फोन पे भी प्रूफ नहीं है। सर मैं अपने घर वालों से आपकी बात करा देता हूँ, सर मेरे फादर जो है वो अमृतसर के बहुत बड़े बिजनेसमैन है। चुप, क्या समझा क्या? रोज ना तेरे जैसे 10 लोग अंदर करता हूँ मैं, दोस्त को फोन करेगा और बोलेगा मेरा बाप है। सर मैं सब बिल्कुल नहीं हूँ सर। सर ध्यान से देखिए सर इस चेहरे को, सर बिल्कुल भरोसा मत करना सर इनकी बात का, मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तू होगा कंफ्यूज, मुझे तो ना सारी चीजें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। मैडम के कमरे में घुसा होगा, उनके साथ बदतमीजी की होगी, और जब पकड़ा गया तो लड़ा कर रहा। सर मुंबई पुलिस के सामने हीरो बन रहा तू। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, ये तो है ही झूठा।
अंदर डाल दीजिए। नहीं बोल रहे। सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे पति हैं। ये मेरी बीवी नहीं है।